आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के सरकारी बंगले के मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है और फैसला रिजर्व कर लिया है। इस पूरे मामले में आज राघव चड्ढा की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने जिरह की, वहीं सरकार की ओर से यानी राज्यसभा सचिवालय की ओर से एएसजी ने पक्ष रखा। सबसे पहले बात करें तो राघव चड्ढा की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनको जेड प्लस की सुरक्षा मिली हुई है, इसके लिहाज से पहली बार निर्वाचित होने वाले सांसदों को टाइप 6 का बंगला या फ्लैट दिया जाता है, लेकिन टाइप 6 के आवास में उनके सुरक्षा को लेकर सफिशियंट जगह नहीं है। उनकी सुरक्षा का रिव्यू करने वाली एजेंसी ने भी ये साफ किया है कि उन्हें टाइप 7 का बंगला सही होगा, क्योंकि वहां उनके सुरक्षा कर्मियों को उन्हें साथ साथ रहना पड़ता है, 24 घंटे एक टुकड़ी उनके साथ रहती है, तो ऐसे में जब फ्लैट में रहेंगे तो वहां मुश्किलें आएंगी। इसके साथ ही उनका ये कहना था, पंजाब के प्रभारी हैं लिहाजा रोजाना सैकड़ों लोग मिलने आते हैं, उन फ्लैट में मिलने आने वालों के कतार से और तांता से आसपास के रहने वाले सांसदों को दिक्कत हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जेड प्लस सिक्योरिटी का मतलब ये अलग बात है कि पंजाब से उन्हें थ्रेट मिलते हैं जिसकी वजह से उनकी सुरक्षा जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पंजाब में ही उन्हें सुरक्षा दी जाएगी, दिल्ली में नहीं। दिल्ली में अगर सुरक्षा में चूक की वजह से उनकी हत्या हो जाती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। ये तमाम चीज़ों पर बातचीत हुई और इसके साथ ही राज्यसभा की तरफ से ये कहा गया कि पहली बार चुने जाने वाले सांसदों के लिए टाइप 6 के बंगले ही आवंटित किए जाते हैं, आवास आवंटित किए जाते हैं, लेकिन टाइप 7 में उन्हें टेम्पररीली वहाँ पर रखा गया था। उन्हें यह कह दिया गया था कि टेम्पररीली वो यहाँ पर हैं, बाद में वो अपने जितना उनके लिए अलॉटेड है उस कैटेगरी में उनको आवास में जाना पड़ेगा, लेकिन अब राघव चड्ढा इसे इनकार कर रहे हैं। लिहाजा इसमें पूरा अधिकार राज्यसभा की आवासन समिति का है, राज्यसभा सचिवालय का है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने जस्टिस अनूप भंबानी ने दोनों पक्षों की बहस सुन ली है, ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। इसके साथ ही अब इंतजार शुरू हो गया है कि इस मामले में ऑर्डर आएगा तो क्या राघव चड्ढा को इसी बंगले में टाइप 7 के बंगले में आगे रहने की इजाज़त मिलेगी, या फिर वहाँ भी निचली अदालत की तरह ही यानी पटियाला हाउस कोर्ट की तरह ही वहाँ ये कहा जाएगा कि आप ये खाली करें और आपको जहाँ राज्यसभा सचिवालय कह रहा है, आवासन समिति कह रही है, आपको वहाँ पर नया आवास आवंटित किया जाएगा। इसे लेकर वहापोह की स्थिति है और अब दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से ही ये स्थिति साफ होगी कि राघव चड्ढा को राहत मिलती है या फिर राज्यसभा सचिवालय की बात ऊपर रहती है।